सभी साथियों को राम राम, नमस्कार और जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और एक डाउट आप सबके मन में चल रहा है कि जो एक नोटिस जा रहा है बहुत बच्चों के पास कि ये क्या है। ये कुछ भी नहीं है साथियों, ये हर वैकेंसी में जाता है सब बच्चों के पास, जिनके या तो एक नाम से दो फॉर्म भर गए हैं, एक नाम से दो स्टूडेंट बिल्कुल सेम उससे जो है आपकी डिटेल्स से दो स्टूडेंट्स अगर पेपर दे चुके होते हैं तो इन सभी के पास ये कारण बताओ नोटिस जाता है। किसी को कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इतनी सारी वीडियोज इसके ऊपर बनाई है, क्या मतलब बनता है, इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों, आपको परेशान नहीं होना है। इस बार भी इसकी संख्या लगभग 25-30 हज़ार के स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिनके ऊपर एसएससी को लगा कि कारण बताओ नोटिस इनसे पूछना चाहिए, जिनके ऊपर डाउट था। तो दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं है, ना ही आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव डालने वाली है ये चीज़ें। तो आप सभी को परेशान नहीं होना है। एक बार मैं आपको सभी को क्लियर करा दूं कि ये नोटिस आपको मैंने बता ही दिया है, कुछ भी नहीं है इसका मतलब कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ वही उन्हीं के लिए है जिनको कारण बताओ नोटिस उनको भेजा गया है, जिनको ऊपर डाउट है कि इन्होंने इनके डिटेल से दो फॉर्म भरे गए हैं या कोई आशंका थी उनके पेपर पे। तो कुछ भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसके ऊपर कोई जरूरत नहीं है ऐसी चीजों को इतना बड़ा बाउंडर बनाने की। आप देख रहे हैं कि क्या मतलब बनता है, छात्रों को बस परेशान करने की कोशिश है लगातार। रिजल्ट कब तक? तो साथियों रिजल्ट का मैं बार बार कह रहा हूं कि रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह सकता, पिछले वीक में भी कुछ इंफॉर्मेशन मिली थी कि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी जारी हो जाएगा, लेकिन उस समय नहीं आ पाया। तो कारण यही है कि भाई मतलब तो यही बनता है कि रिजल्ट कभी भी आ सकता है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आज कल, हो सकता है आज कल परसों जब आए आ जाएगा, भाई मुझे नहीं पता कब आएगा रिजल्ट, कभी भी आ सकता है, बस ये मान के चलिए रिजल्ट। मैं बिल्कुल ये सोचता हूं कि भाई कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ऐसी ना दूं कि मेरे भाई सभी कोई भी मेरे भाई बहन परेशान हो इंफॉर्मेशन को सुनकर। आप अच्छे से बस मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और मैं आपको हमेशा 100% एक्यूरेट न्यूज देने की कोशिश करता रहूंगा दोस्तों। तो आप कट ऑफ की भी चर्चा करेंगे। अगर आप, मेरी सभी से एक बार रिक्वेस्ट है, अगर आप इस कट ऑफ में नहीं है तो मेरी सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है अपने सभी भाई और बहनों से कि अगर आप इस कट ऑफ में नहीं आते हैं तो मैं कट ऑफ दिखाऊंगा आपको। आप अगले नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करिए, किसी के बहकावे मत आइए, आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। मैं आपको सभी को बिल्कुल सच सच बताने की कोशिश करता हूं कि कोई भी साथी ऐसा ना हो कि कोई गुमराह होकर अभी भी वेट कर रहा हो कि भाई अगर इससे कम मार्क्स है मेरे तो उम्मीद रख रहा हूं। भाई इससे कम मार्क्स पे कोई उम्मीद मत रखना, आप मेरी सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर। तो दोस्तों इससे पहले हम कट ऑफ की चर्चा करते हैं, आप सभी जानते हैं कि मैं आपको 100% एक्यूरेट न्यूज देने की कोशिश करता हूं हमेशा। तो आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और इस परिवार को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों हम बात करते हैं कट ऑफ। आप कट ऑफ देखिए कि वैकेंसी में बार बार कह रहा हूं कि मैंने जब उस समय आंसर की आई थी उस समय भी बताया था कि आपकी जो वैकेंसी की संख्या है 50,000 प्लस जाएगी। बहुत कमेंट्स आए थे उस वीडियो पे कि आप बस वैसे ही वीडियो बना देते हैं और ये रहा कि भाई रिजल्ट आने से पहले आपको 46,617 वैकेंसी आपको देखने को मिल गई और 54,000 वैकेंसी, मैं आपसे दावा करता हूं आज आप लिख लीजिए कहीं भी कि 54,000 प्लस स्टूडेंट्स का फाइनल रिजल्ट आएगा। ये न्यूज जो है भाई 100% पुख्ता न्यूज जानकारी जो है मिली है। तो आप 54,000 वैकेंसी मानकर चलिए, लेकिन मैं 54,000 पे भी कट ऑफ बता दूंगा और 46,617 पे भी आपको मैं कट ऑफ बता दूंगा। तो किसी को परेशान नहीं होना है। तो आप देखिए कि मेल और फीमेल दोनों की कैटेगरी है, आप इसको लिख लीजिए 46,617 की ये कट ऑफ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप इससे नीचे हैं तो आपके कोई भी चांसेस नहीं है, आपके सारे चांस खत्म है। ये हिंदी भाषी राज्यों की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, हिंदी भाषी राज्यों की मैं बात कर रहा हूं आप सभी से। अगर उससे कम है आपके तो आप बिल्कुल भी उम्मीद ना रखें। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इससे ऊपर आपके मार्क्स है तो आप अच्छे से फिजिकल की तैयारी करिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रख के। गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, कि जर्नल EWS OBC SC ST और जर्नल EWS OBC SC ST आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता आपका। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 54,000 पर, तो 54,000 पर बस इतना फर्क पड़ने वाला है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 क्वेश्चन। अगर 54,000 वैकेंसी
सी आपकी पूरी संभावनाएं होने की, और इस पर भी सिर्फ आपका एक से दो क्वेश्चन का फर्क पड़ेगा, बस एक से दो, उससे ज़्यादा नहीं फर्क पड़ सकता। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस कट ऑफ से नीचे है तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नेक्स्ट एग्जाम को टारगेट करिए और अच्छे से तैयारी करिए। आपके लिए मैं स्ट्रेटेजी की वीडियो हो या पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हो, आप देखते रहिए, आपको मैं बहुत अच्छे से अच्छा मैं देने की कोशिश करता हूँ हमेशा कि आपको अच्छे से अच्छी न्यूज और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे और अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करेंगे। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार हमेशा बनाए रखें, और मैं आपके लिए ये वादा करता हूँ कि भाई आपको हमेशा मैं अच्छे से अच्छी न्यूज आपको दूंगा। तो सभी को फिर से एक बार मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।